हक्स ऑफ हिंदुस्तान से निराश हुए आमिर खान के फैंस के लिए बॉलीवुड के गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मैगजीन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आमिर खान जो हैं गुलशन कुमार की बायोपिक मोगुल में काम करने के लिए हामी भर चुके हैं, जिससे वो डायरेक्टर सुभाष कपूर के कारण बाहर हो गए थे। असल में कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के अंदर मीटू मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें डायरेक्टर सुभाष कपूर का नाम भी सामने आया। इसके बाद आमिर खान ने तुरंत ही मोगुल से किनारा करने का फैसला लिया, क्योंकि मोगुल के डायरेक्टर सुभाष कपूर थे। हालांकि अगर बात करें तो ऐसी खबरों के सामने आते ही मेकर्स ने सुभाष कपूर को फिल्म मोगुल से बाहर करने की सोच भी रहे थे, क्योंकि वो आमिर खान जैसे स्टार को नहीं खोना चाहते थे। अब मैगजीन की इस बात पर पक्की मोहर लग गई है कि सुभाष कपूर मोगुल से अलग हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार मैगजीन को बताया गया कि भूषण कुमार चाहते हैं कि आमिर खान ही उनके पिता का किरदार निभाएं। वो मानते हैं कि आमिर ही उनके पिता के किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे। सूत्रों के अनुसार आमिर खान भी मोगुल का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि इससे पहले ये रोल जो है अक्षय कुमार को ऑफर हुआ था, तब भी भूषण कुमार ने यही कहा था कि अक्षय कुमार ही हैं जो गुलशन कुमार के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन किसी वजह से ये रोल नहीं कर पाए अक्षय कुमार। इसके बाद इसे ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि आमिर खान ये रोल करने वाले हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आमिर खान ज़्यादा अच्छा गुलशन कुमार का रोल कर पाएंगे या फिर कर पाएंगे अक्षय कुमार। आपका हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबरें मिलती है सबसे पहले।